इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं मैसूर करके एक जगह है कर्नाटक में, सब जानते होंगे उसका नाम, आप सुनेंगे, तो वहाँ से आता हूँ। वहाँ से मैं एक छोटे अखबार में काम शुरू किया था, वहाँ से बाद में अलग अलग अखबारों में काम किया, ज़्यादा अखबारों में भी काम करता रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। थोड़ा टेलीविज़न किया हूँ पिछले 9 महीने से, 1 साल से मैं राज्यसभा टेलीविज़न में हूँ। नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स एक फ्यूडल पॉलिटिक्स, फ्यूडल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, सामंती, सामंती या सामंती, सामंतवाद। तो ये नहीं है कि साउथ इंडिया में सामंतवाद नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स जितना, पॉलिटिक्स का असर जो सामंतवाद जो करता है नॉर्थ इंडिया में, उतना असर साउथ इंडिया में नहीं करता। उसका वजह अलग अलग है। एक वजह, एक इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि साउथ इंडिया में 4 स्टेट्स हैं, आप लोग जानते हैं ना, चारों स्टेट जो है कर्नाटक में, साउथ में चारों स्टेट का पॉलिटिक्स अलग है। आप देखिए आंध्रा और तमिलनाडु, आजकल आंध्रा में कम हो गया है लेकिन तमिलनाडु में अभी भी है। क्या फिल्मों का असर पॉलिटिक्स में, फिल्म लोगों का असर पॉलिटिक्स में, वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। कर्नाटक में वो नहीं मिलेगा, केरला में नहीं मिलेगा, आंध्रा में था, आंध्रा में एक चीफ मिनिस्टर था एनटी रामाराव करके, सुने हैं नाम, हाँ, तेलुगु देशम उसने शुरू किया 1982 में। तो वो एक बड़ा हीरो था, अमिताभ बच्चन था, अमिताभ बच्चन एनटीआर था एक्चुअली, लेटर अमिताभ बच्चन एनटीआर बन गया, वो लार्जर देन लाइफ हीरो था एनटीआर। वो पॉलिटिक्स में आया, एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू किया और राज चलता। तो वो फिल्म और फिल्म लोगों का असर जो आप आंध्रा और तमिलनाडु में क्या है, जयललिता एक फिल्म हीरोइन है, आप जानते होंगे, जानते हैं ना, एक बड़ी फिल्म हीरोइन थी। और उससे पहले जो उसके पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, एआईएडीएमके जो है, उसका शुरू करने वाला आदमी था एमजीआर, एमजी रामचंद्रन, सुने हैं ना, कितने लोग नहीं सुने, ज़्यादातर लोग नहीं सुने। तो एमजीआर जो है, एमजीआर एक, आप गूगल, आजकल गूगल का ज़माना है, सब मिल जाता है, एमजीआर करके टाइप कीजिए आपको मिल जाएगा, एमजी रामचंद्रन। एमजी रामचंद्रन तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार था, आप सोच ही नहीं सकते उसका फॉलोइंग कैसा है, आप लोग सोच ही नहीं पाएंगे। जब वो मर गया, मैं वो 87 में शायद मरा, जब वो मर गया, फॉर मंथ्स, महीनों तक उनके जो फैंस हैं अभी भी है, आप अगर तमिलनाडु जाएंगे हर एक गांव में उसका फ़ोटो लगेगा, उसका फ़ोटो दिखेगा, उसका, उसके पार्टी का फ्लैग दिखेगा, उसका फोटो दिखेगा, उसका स्टैचूज दिखेगा हर एक गांव में। महीनों तक उनके जो फैंस हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो एक्चुअली मर गया है। ऐसा पागलपन एक आदमी के पीछे आप कहीं नहीं देख सकते आप। और वो जब मर गया कि सैकड़ों लोग जिंदा अपने आप को जला लिए, सैकड़ों लोग। तो इस तरह का पागलपन जो सिनेमा के बारे में है तमिलनाडु में और सिनेमा के लोगों के बारे में है, और वो कितना असर वो पॉलिटिक्स पे करता है, वो आप कहीं और किसी और राज्य में इस देश में नहीं देख सकते। अगर आज रजनीकांत, आप सब रजनीकांत को जानते होंगे, रजनीकांत नहीं जानते, रजनीकांत का जोक्स तो जानते होंगे, तो ये रजनीकांत अगर कल पॉलिटिक्स में आ गया तो शायद वैसे ही पागलपन जो एमजीआर के बारे में था कुछ दिन के लिए तो चल सकता है। अब आप आंध्रा आइए, आंध्रा में भी वैसे ही था, लेकिन आजकल एनटीआर के मरने के बाद, एनटीआर 95-96 में उसका ख़त्म हो गया, वो बीमार हो गए, बाद में मर गए,
तो चंद्रबाबू नायडू करके जो है, सुना है नाम चंद्रबाबू नायडू का, टीडीपी का जो लीडर है वो एनटी रामाराव का दामाद है। सो उसने वो पार्टी चला रहा है, लेकिन एनटीआर जाने के बाद इस फिल्म स्टारों का असर पॉलिटिक्स पे कम हो गया। पिछले साल, दो साल पहले जब 2009 में इलेक्शंस हुआ, तब एक और एक फिल्म स्टार, आप जानते हो चिरंजीवी का नाम सुना है, तो चिरंजीवी ने एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू किया और लोग सोचे कि शायद वो भी दूसरा एनटीआर बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बन पाया। और अब क्या हुआ है, तो दो साल के बाद वो उसका पार्टी जो शुरू किया था वो कांग्रेस के साथ मिल गया है और कांग्रेस में आ गया। तो आंध्रा में अब वो दौर जो था इसका, क्या फिल्म स्टारों का जो असर पॉलिटिक्स पे, वो ख़त्म हो गया है अब तक। आगे क्या होगा देखना चाहिए। केरला एक कम्प्लीटली अलग स्टेट है। केरला को आप किसी और साउथ इंडियन स्टेट से आप कंपेयर करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि केरला एक स्टेट है जहाँ कम्युनिस्ट का ज़्यादा पकड़ है। किसी और साउथ इंडियन स्टेट में कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टीज का जो असर केरला में है वो किसी और साउथ इंडियन स्टेट में नहीं है। देश में दो ही स्टेट में ज़्यादा उनका असर है, एक केरला और दूसरा वेस्ट बंगाल। तो केरला में पूरा पॉलिटिक्स लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स है। कांग्रेस वाले भी ऐसे ही करना पड़ता है। तो वहाँ के पॉलिटिक्स में जितना पैसे का, जो आजकल स्पेशली पिछले 5-10 साल में जो हम देख रहे हैं आंध्रा और कर्नाटक में, जो पैसे का खेल जो चल रहा है पॉलिटिक्स में, तमिलनाडु में भी ज़्यादातर, वो केरला में इतना पैसे का खेल नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट जो है उनका ढंग तरीका कुछ अलग है, तो इसकी वजह से पैसे का जो असर दूसरे राज्यों में जो देखते हैं वो केरला में नहीं है। ओके, थैंक यू।